दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत। ये हमारे नसीर भाई है किन्नौर के, उनका चैनल है आज की न्यूज। इसको प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और इसे है ना सब्सक्राइबर जरूर कीजिए भाई लोग। मुंबई शहर से आज की न्यूज और टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज 29/1/2020 को भारत बंद का ऐलान हुआ था। आज किन्वट में भी बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। पूरे भारत में जो काला कानून पास हुआ है, उस कानून का विरोध पूरे भारत में हो रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी पिछले 45 दिनों से औरतें धरने पर बैठी है। पूरे भारत में शाहीन बाग की तरह हर गांव में, सिटी में शाहीन बाग बनाकर लोग धरने पर बैठ गए हैं। किन्वट में भी एक शाहीन बाग की शक्ल में किन्वट सहायक जिला अधिकारी ऑफिस के सामने पिछले 5 दिनों से आज लोग बैठे हैं। धरने पर बैठे लोग रोजा थे, इसमें बच्चे बूढ़े भी रोजा रखे थे। रोजा अमन शांति का पैगाम देने के लिए रखा गया था। भारत में अमन रहे ऐसी दुआ मौलाना ने की। हमने जो रोजा रखा है, तेरे हबीब सरकार दो आलम ने फरमाया है, जो आदमी रोजा रखता है इफ्तार के वक्त उसकी दुआ कबूल होती है। ऐ अल्लाह दुआ करते हैं हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, मुल्क में शांति अता फरमा, अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह ये बेरोजगारी का जो आलम फैला हुआ है उसी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क की तरक्की और ऐसे फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में मोहब्बत और ऐसी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में हमको मिलजुल के साथ भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम, ऐ मौला करीम दुश्मनान से अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐ अल्लाह इसे और तरक्या से नवाज, सोने की चिड़िया बन जाए इसे फैसले फरमा। ऐ मौला करीम, ऐ मौला करीम हमें मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ मौला करीम जो हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ऐ मौला करीम इसका खात्मा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो जुल्म हो रहा है इस जुल्म का खात्मा अता फरमा। ऐ मौला करीम इनको भी समझ अता फरमा, जो हमारे खिलाफ जो कानून बनाने जा रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो नए नए बिल पास कर रहे हैं। हम अपने अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह तू भी उन्हें हिदायत से नवाज दे, उनको सही समझ आता फरमा, सही अल्लाह सोचने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम अल्लाह सही फैसले और मुल्क के साथ खैरखाई करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम जो बहुत सारे साथी जो सुबह से भूखे हैं, तेरे खातिर भूखे हैं, ऐ मौला करीम इनके भूख को कबूल फरमा, इनके रोजे को कबूल फरमा। जो भी नेक ख्वाहिश है, जायज तमन्ना है, हर नेक ख्वाहिश जायज तमन्ना को पूरी फरमा। ऐ मौला करीम, ऐ मौला करीम खुसूसी तौर पर जो धरना आंदोलन ले रहे हैं, ऐ मौला करीम से कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने शाहीन बाग की तर्ज पर चल रहे हैं, ऐ अल्लाह इसकी मुकम्मल हिफाजत फरमा, हासिदीन के हाथ से, फितनाखोरों के फितनों से, दुश्मनी से ऐ अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम जितने लोग कुर्बानी के साथ यहाँ पे धरना आंदोलन में आ रहे हैं, ऐ अल्लाह इनके जान माल को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा,
ए अल्लाह बैठने के तमाम हिफाजत फरमा। ए मौला करीम जो मांगा उसे भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा उसे भी अता फरमा। ए अल्लाह हमारे किनवट में अमन अता फरमा, शांति अता फरमा। ए मौला करीम किनवट में भाईचारे को अल्लाह फरोग अता फरमा। ए मौला करीम हमें मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ए मौला करीम हमारे शहर के अंदर हम सब मिलजुल कर रहे, अपने बड़ों के साथ रहे ऐसे फैसले फरमा। हमें आप आपस में मोहब्बत नसीब फरमा, बड़े छोटों का अदब एहतराम नसीब फरमा, छोटों से शफकत, बड़ों का इकराम, उलमाए दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हर काम कुरान हदीस की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम, ऐ मौला करीम आज जो हमने रोजा रखा है इस मुल्क की सलामती के लिए, आज जो हमने रोजा रखा है मौला करीम मुल्क में अमन के लिए, आज जो हमने रोजा रखा है मुल्क की सलामती के लिए, आज जो हमने रोजा रखा है अमन और शांति के लिए रखा है, वो आपस में भाईचारगी के लिए रखा है। ऐ अल्लाह हमारे रोजे को कबूल फरमा कर मुल्क में भाईचारगी की तौफीक अदा फरमा। हमारी इस दुआ को तेरे हबीब सरकारे दो आलम ताजदार मदीना के सदक़े में कबूल फरमा। या रब्बी उसल्ली उसल्लिम दाइमन अबदा।